के भाई आए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन कराना था, मगर क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब जल्दबाजी में उनको जाना पड़ा, श्रीनगर जाना पड़ा, क्योंकि वो उनका प्रोग्राम था यहाँ स्टे करने का और उसके बाद वो अपना गुल गुलाबगढ़ वगैरह का टूर करना चाहते थे, पर उनको जल्दी जाना पड़ा क्योंकि कल इलेक्शन भी अनाउंस हो चुकी है। तो इस सिलसिले में उस बात की मैं रस के भाइयों से भी और जो साथी आए हैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ, और फारूक अब्दुल्ला साहब का हुक्म हुआ है कि आप इन सबको ज्वाइन करवा दो, मेरी आशीर्वाद इनके साथ है और फिर मैं जब आऊँगा इनको मिलूँगा। आज ये जो हमारे सरपंच साहब हैं रमेश लाल जी, इनकी पंचायत है मलिकपुर, ये आरसपुरा में बैठी है मीरा साहब के पास, ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और भी साथी हैं, और जो इनके बाकी साथी हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और जो ये जो हैं जो बाकी साथी ये सनी जी हैं ये भी ज्वाइन करेंगे, ये बड़ी देर से ज्वाइन करना चाहते थे मगर ये पता नहीं क्यों इंतज़ार कर रहे थे। तो इसके जो उस ज़िला के प्रधान हैं ये बिट्टू जी हैं, बिट्टू जी हमारे साथ हैं, शेख बशीर साहब हैं ये हमारे रूरल के प्रधान हैं, रघुवीर सिंह जी ये अपने गनी साहब हैं, ये इसके ओबीसी सेल के प्रधान हैं, तो इनके बाकी साथी भी जो हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, आपका फैसला दुरुस्त है और आज लोगों में बदलाव का माहौल है, उस बदलाव के माहौल को और ज़्यादा तेज करने के लिए जितने साथी आए हैं वो भी अपना एक रोल अदा करें, ताकि अच्छे ढंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इलेक्शन के बाद कामयाब होकर आए, और कल परमात्मा ने चाहा, लोगों का आशीर्वाद रहा, तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, क्योंकि हम ऐसे दावे नहीं करते कि 400 पार वाली बात नहीं करते, हम लोगों का जो दिल है मन है वो पढ़ के बात करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। तो मैं ये जो हमारे ज्वाइन किए हैं सरपंच साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सनी जी को देता हूँ, और जितने भी बाकी साथी हैं इनको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ, और एक बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप सबको फारूक अब्दुल्ला साहब की और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से मुबारक है, और आप यहाँ आए हम आपका स्वागत करते हैं आपके ज्वाइन करने का, और उम्मीद रखते हैं कि आपके आने से पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी, और आप लोगों ने भी तनदेही से काम करना है, ये महीने दो महीने जो है ये आराम करने की बात नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये कामयाब करने की बात है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर पार्टी है, यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, यहाँ इंसानियत की बात है, हमने इंसानियत की सेवा करनी है, इंसानियत के साथ चलना है, हम सब ने एक होकर चलना है, हम एक हैं, हम इस पर यकीन रखते हैं, हम ये ऊंच नीच की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, और ये जो लोग अब इलेक्शन आई है वो शुरू कर देंगे कि ये धर्म खतरे में है, धर्म कोई खतरे में नहीं हो सकता, खासकर हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, या इस्लाम धर्म या सिख धर्म खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, देश खतरे में नहीं, देश बहुत महान देश है मेरा, मेरे देश को किसी का खतरा नहीं हो सकता, अगर ये इलेक्शन में इस किस्म के नारे देंगे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरी यकीन है कि जिन लोगों ने इस रियासत को दो टोटे करके दो यूटी बना दी, महाराजा साहब की रियासत थी, महाराजा साहब ने कितनी मजबूती के साथ इसको बनाया था, बदकिस्मती है उन्होंने इसके दो टोटे कर दिए, और आज लोग जो हैं कहीं बाहर जाके हम कहते हैं, वो कहते हैं किस रियासत के रहने वाले हो, हमको ये शर्म आती कहते हुए कि हम यूटी के रहने वाले हैं, उस बात का हिसाब बीजेपी से लोग लेंगे, पिछले 10 साल का हिसाब बीजेपी से लोग लेंगे कि आपने 10 सालों में कितनी महंगाई बढ़ाई, कितनी बेरोजगारी बढ़ाई, कितने बिजली के लिए लोगों को तरसाया, कितने पानी के लिए तरसाया, कितना राशन के लिए तरसाया, किस तरह आपने लोगों को वो अपने स्मार्ट मीटर लगा के तंग किया है, और किसानों को आपने किस तरफ धकेल दिया है, किसानों को तो कहते थे हम आपको डबल इनकम करेंगे 2022 में, आज 2024 हो गया, इनकम डबल नहीं हुई बल्कि डबल हुए, उजरत डबल हो गई, यानी उसका जो उस पर कास्ट आती है, कास्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है खर्चा जो है वो दोगुना हो गया, तो लिहाजा झूठ का पलंदा, कभी कहा 15 लाख रुपए हर अकाउंट में, कभी कहा 2-2 करोड़ नौकरियां हर
साल में, अगर साल में 20 करोड़ नौकरियां होती तो सरपंच साहब आपकी पंचायत को भी 20 करोड़ में हिस्सा मिला होता। मगर बदकिस्मती है यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई एक आदमी उठा के कह दे कि मुझे नौकरी मिली, किसी को नौकरी नहीं मिली। तो लिहाजा मैं इन सब का स्वागत करता हूँ, और इनको जो मैंने ज्वाइन कराया ये फारूक अब्दुल्ला साहब के हुक्म से, ये आज मैंने ज्वाइन नहीं कराना था, फारूक साहब ने कराना था, फारूक साहब को जाना पड़ा, तो फिर इनसे मुलाकात भी होगी फारूक साहब की। और इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहनत करें, डट के पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें, और आप लोग पार्टी में आए हैं मेहरबानी करके यहाँ बड़ी दफ़ा फिसलन होती है, स्लिप नहीं करना, खड़े रहोगे, पार्टी मजबूत करोगे, आप भी मजबूत होगे। अगर पार्टी तो कमज़ोर होगी हम भी कमज़ोर होंगे। हमारा सबसे मकसद पहले होना चाहिए कि जो सेकुलर पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम से किताब की बात करती है, जो देश को मजबूत करने की बात करती है, जम्मू कश्मीर को कठा रखने की बात करती है, जम्मू को मजबूत करने की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, बेरोजगारी की, महंगाई की, उस पार्टी को मजबूत करना आज वक्त की पुकार है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन में लोग अपना जो वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में डालेंगे, और यहाँ की जो मुश्किलात हैं उसको कम करने में हम लोगों से वचनबद्ध हैं, क्योंकि हम यहाँ रीजनल पार्टी हैं, हम लोगों की मुश्किलात महसूस करते हैं, हम लोगों की किस माहौल में लोग रह रहे हैं हम महसूस करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।